हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके साथ एक व्लॉग लेके आई हूँ। और मैं गई थी रक्षाबंधन से पहले घर पे, सो मैं आ गई हूँ अपने ससुराल में ही। मैं 1 वीक या फिर 10 डेज़ के करीब वहाँ पे रह के आई हूँ। तो मैं आ गई थी वेडनेसडे में, आज अ थर्सडे। विश करूँगी मैं आज ही ये वीडियो अपलोड करूँ। तो मैं संडे में मॉर्निंग में आ गई थी, तो थोड़ा थक वक गए थे तो इसलिए कोई ब्लॉग नहीं बना पाई थी। आने का भी कोई ब्लॉग नहीं बनाया मैंने, तो बस यही था क्योंकि मॉर्निंग में हम जल्दी जल्दी आ पाए थे इसलिए ब्लॉग नहीं बना पाई थी, तो उसके लिए सॉरी। तो मैंने सोचा चलो आपसे थोड़ी बहुत बातें कर लेती हूँ, और क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मैं आपसे बातें भी नहीं कर पा रही थी। तो बस यही था, वहाँ पे छोटा बेबी है तो परेशान तो करते ही, आप सभी को पता ही है। और हम आ गए हैं घर पे और मेरे हस्बैंड लेके आए थे क्योंकि वो जल्दी ही लेने गए थे, क्योंकि मॉर्निंग में उन्हें जाना था ऑफिस में भी। ऑफिस से ज़्यादा छुट्टी नहीं ले सकते थे क्योंकि आप सभी को पता ही है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी दादी सास एक्सपायर हो गई थी, तो हम तो जैन की ज़्यादा छुट्टी हो गई थी मेरे हस्बैंड की, इसी वजह से हम ज़्यादा छुट्टी नहीं ले सकते थे ये ऑफिस से। तो इसलिए मुझे मॉर्निंग में जल्दी लेके आए, फिर आके ऑफिस भी जाना था, तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई कुछ भी। और मेरा बेबी जो है मुझे कर रहा है परेशान। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वही सूट है जो मैं ब्लॉग में मैंने आप सबसे पूछा था कि मैं इसको कैसा सिलवाऊं, तो ये मैंने पैंट का सिलवाया है। आप देख सकते हैं ये इस तरह का है और नीचे मेरा बेबी बैठा हुआ है। ये मैंने पैंट का सूट सिलवाया है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि मेरा सूट मुझ पर कैसा लग रहा है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट के बिना मत जाइएगा। अगर मेरे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सभी की रक्षाबंधन कैसी रही प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सॉरी मैं आप सबको रक्षाबंधन विश भी नहीं कर पाई, तो उसके लिए सॉरी। हाय करो, हाय करो बीटू, अपनी मेहंदी दिखा दो, अपनी मेहंदी दिखा दो, राखी देखो। और मेरे बेटे की मेहंदी जो कि इसकी नानी ने लगाई थी, दोनों हाथों पे आप देख सकते हैं ये कैसे देख रहा है। मेहंदी लगाई थी, कहाँ है मेहंदी ये देखो, अगर इसे पूछते हैं ना तो ये बताता है मेहंदी। और ये जो है ये और जो ये वाली राखी दिखाओ बेटू, जो ये वाली राखी है इसको दीदी ने बांधी है, इसकी दीदी ने। और ये जब से ही इस राखी को तोड़ने में लगा हुआ है, मुँह से इसको उतारने पे जो डॉल सी लगी हुई है इसके ऊपर, ये इसको उतारने में लगा हुआ है। ये किसने बांधी थी बेटू? दीदी ने, दीदी ने बांधी थी। ये पता नहीं क्या क्या बोलता है, हमें तो समझ में नहीं आती इसकी लैंग्वेज। मेरा छोटा सा व्लॉग है, प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।